मायावती ने लोकसभा चुनाव में भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और आपने देखा कि 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद एक भी सीट पर पार्टी नहीं जीत पा रही और बीएसपी का लगातार जो जनाधार है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। जो दलित वोट बैंक है वो कांग्रेस और अन्य पार्टियों की तरफ शिफ्ट होता। बिल्कुल रणजीत सिंह चौटाला का बीजेपी से अलग हटकर निर्दलीय चुनाव लड़ना मुझे लगता है इनलोग के लिए फायदों के साथ गठबंधन करना मुझे लगता है ये एक मायावती का गलत फैसला था। और जाहिर सी बात है इनलोग तो दो सीट जीत गई लेकिन बीएसपी पार्टी एक भी सीट नहीं। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसपीएन 9 न्यूज पर। हरियाणा में चुनावी परिणाम सामने आ चुके हैं लेकिन हरियाणा में जहां मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में अभी भी बना हुआ है, जहां कांग्रेस पार्टी में हार के कारण कई तलाशे जा रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री चेहरे की कवायद शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सहमति भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आती। इस बीच 17 अक्टूबर की तारीख निर्धारित कर दी जाती है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। सूत्रों के हवाले से नायब सिंह सैनी का नाम चर्चाओं में आ जाता है लेकिन अभी भी दबाव भारतीय जनता पार्टी से राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज बना रहे हैं। लेकिन जहां कांग्रेस है, जहां भारतीय जनता पार्टी है, इससे इतर हटकर हरियाणा में कई अन्य पार्टियां भी मौजूद हैं जो गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में तो उतरी लेकिन खुद तो चुनाव नहीं जीत पाई, साथ ही साथ कई पार्टियों का वोट भी काटती हुई नजर आई। इस आधार पर कहा जा रहा है कि क्या अब हरियाणा में यही पार्टियां आने वाले समय में मजबूत हो जाएंगी, क्या विधानसभा चुनाव में हार की सबक के बाद क्या अब ये पार्टियों के तहत एक बड़ा गठबंधन भी हरियाणा में देखा जा सकता है। दरअसल हम जिन पार्टियों की चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ है जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी, दूसरी तरफ है बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल। बहुजन समाज पार्टी ने तो इंडियन नेशनल लोक दल से अपना गठबंधन ही तोड़ दिया। हार का कारण बताया गया, इनेलो पर ठीकरा फोड़ा गया और मायावती द्वारा ऐलान किया गया कि अब वो किसी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ेंगे। बसपा इनेलो का जिक्र किया जाए तो बसपा इनेलो लगभग तीसरी बार गठबंधन में आए लेकिन मायावती का जो दबदबा 2009 से पहले हरियाणा में देखा गया था वो दबदबा 2009 के बाद कहीं लुप्त सा हो गया। 2009 के बाद देखा जाए तो हरियाणा में बसपा कहीं ना कहीं सीटों पर कम दिखाई दी जाने लगी। देखा जाए तो बसपा दो या एक सीटों पर सिमटती हुई नजर आई। इनेलो को भी बसपा के साथ मिलकर नुकसान कई बार झेलना पड़ा लेकिन इस बार इनेलो को फायदा हुआ बसपा के साथ आने से। बसपा द्वारा कांग्रेस पार्टी, जननायक जनता पार्टी की कई सीटों पर वोट काटे गए। कांग्रेस पार्टी की तो 7 सीटें ऐसी थी जहां पर बसपा के जरिए वोट काटा गया, जिस आधार पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती आती रह गई। वहीं जननायक जनता पार्टी एक भी सीट पर खाता नहीं खोल पाई। बसपा द्वारा इनेलो 2 सीट रानिया और डबवाली विधानसभा सीट जीत जाती हैं। लेकिन क्या ये गठबंधन टूटने के बाद क्या परिवार की वापसी परिवार में होती हुई नजर आ सकती है? क्या मायावती का एक तरीके से धोखा देना अब अभय चौटाला के लिए क्या हजम नहीं हो पाएगा? क्या इंडियन नेशनल लोक दल अब अपनी मजबूती को पेश करने के लिए जननायक जनता पार्टी का सहारा ले सकते हैं? क्या जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का गठबंधन अभी भी हो सकता है? हार के बाद क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है? इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहाँ पर नजर आते हैं। कई मुद्दे हैं और कई मुद्दों के जरिए कई पार्टियों के तहत सवाल भी हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सिराज। सिराज, क्या लगता है बसपा इनेलो का गठबंधन जो टूटा है और इस गठबंधन में सबसे बड़ी वजह मायावती मानी जा रही है? ये कहा जा रहा है कि मायावती का गठबंधन इनेलो के साथ नहीं बल्कि मायावती की जो पार्टी है बसपा, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कही जाती है, यानी कि बीजेपी को जिताने के लिए बसपा ने इनेलो के साथ आने का फैसला लिया। क्या ये एक बड़ी गलती अभय चौटाला की यहाँ पर नजर आती है कि मायावती के साथ हाथ मिलाया? देखिए नाजमीन, जिस तरीके से हम देखें तो हरियाणा की राजनीति में लगातार उठापटक का दौर जारी है और जाहिर सी बात है एक तरफ कांग्रेस पार्टी में तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी है।
लेकिन इन सबके बीच बसपा और इनेलो का जिस तरीके से गठबंधन हुआ, मायावती को उम्मीद थी कि शायद वो गठबंधन के सहारे एकाध सीटों पर जीत हासिल करेंगी, जिससे हरियाणा की सत्ता में बीएसपी का जो जनाधार है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले, बीएसपी की वापसी हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुकाबला शुरू से ही कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी का था। लेकिन जिस तरीके से जो आपने सवाल किया मायावती को लेकर, मैं आपको बता दूं कि मायावती ने लोकसभा चुनाव में भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और आपने देखा कि 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद एक भी सीट पर पार्टी नहीं जीत पाई और बीएसपी का लगातार जो जनाधार है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। जो दलित वोट बैंक है वो कांग्रेस और अन्य पार्टियों की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है और यही वो बड़ी वजह है कि मायावती को मजबूरन गठबंधन की ओर जो है देखना पड़ता है। लेकिन इनेलो के साथ गठबंधन करना मुझे लगता है ये एक मायावती का गलत फैसला था। और जाहिर सी बात है इनेलो तो दो सीट जीत गई लेकिन बीएसपी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और बीएसपी पार्टी को इस उम्मीद में थी कि शायद उन्हें हरियाणा में इनेलो के सहारे एक आध सीटें मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं आया। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बीएसपी पार्टी का अभी जनाधार लगातार घट रहा है, आने वाले समय में मायावती को अपने फैसले को लेकर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। देश की राजनीति में बीएसपी पार्टी का लंबे वक्त से एक कह सकते हैं सिलसिला जारी है, लेकिन अब जिस तरीके से जनाधार घट रहा है सोच विचार करने की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि दुष्यंत चौटाला हो या फिर अभय चौटाला हो या कोई भी अन्य दल हो, उनका जनाधार जो है वो मुझे लगता है लगातार उसमें घटता हुआ देखने को मिला है। ये सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी की तरफ। देखिए सिराज, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हरियाणा में दलित समुदाय की आबादी ज्यादा मानी जाती है, जाट के बाद आप दलितों को ही देखेंगे और 20% से ज्यादा दलित की आबादी हरियाणा में है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश से ये दो पार्टियां हरियाणा में आती हैं अपने जनाधार को तलाशने के लिए, जैसा कि आपने कहा। लेकिन आप देखिए कि दुष्यंत चौटाला 2019 में उन्होंने उचाना कला से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार तो वो अपनी विधानसभा सीट को ही नहीं बचा पाए, जिसमें सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि खुद बसपा द्वारा वोट काटे गए कई पार्टियों के, जैसे कि मैंने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया, उचाना कला की बात करें तो दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा को भी नुकसान होता हुआ नजर आया। अब गठबंधन यहां पर टूट चुका है, यानी कि ये गठबंधन टूटना इस और इशारा भी कर सकता है कि जजपा और इनेलो एक साथ आ जाएं, क्योंकि दोनों की हार तो हुई है। एक तरफ दो सीटें हैं मात्र और एक तरफ खाता भी नहीं खुलता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में मुकाबला देना है, कड़ा मुकाबला देना है, या अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाती हुई ये पार्टियां नजर आएंगी, तो क्या ये गठबंधन जरूरी हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, क्योंकि देखा जाए तो जेजेपी का साल 2019 में उनके साथ 10 विधायक थे, लेकिन अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब एक भी विधायक नहीं बचे। तो ये परिस्थितियां अपने आप में कई सवाल खड़े करती है दुष्यंत चौटाला की रणनीति पर, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा और जब कह सकते हैं जरूरत पड़ी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली, और ये सीधे तौर पर देखा जाए तो जनता के साथ एक तरीके से अन्याय होता हुआ नजर आया। और मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि ये मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में था, इसमें तीसरा दल था ही नहीं। और राजनीति में जिस तरीके से एक पार्टी दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाती है, ए टीम है, बी टीम है, उस पार्टी की ए टीम है, मुझे लगता है राजनीति में ये सब कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका जनाधार है आप जीत सकते हैं तो आप जीत दर्ज कीजिए, आप दूसरे के सहारे अपनी नैया कभी पार नहीं लगा सकते। आप देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से असदुद्दीन अवैसी हो इन पर लगातार आरोप लगाती रही है कि कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी जो है वो बी टीम है बीजेपी के, लेकिन हरियाणा में तो अवैसी ने चुनाव नहीं लड़ा, फिर कांग्रेस पार्टी की क्यों हार हो गई, कांग्रेस पार्टी जीती हुई बाजी हार गई। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से जेजेपी का जो जनाधार है उसमें लगातार घटती हुई जो चीजें देखने को मिल रही है, और लगातार अभय चौटाला की भी पार्टी देखिए उतनी बड़ी तादाद में नहीं जीत हासिल कर पाई, हालांकि हरियाणा की राजनीति में अभय चौटाला और उनकी पार्टी इनेलो का अच्छा खासा जनाधार माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों का प्रदर्शन रहा है ये मुझे लगता है कई सवाल खड़े करता है। और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है तो कहीं ना कहीं गठबंधन हो जाए या फिर पार्टी का विलय भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जब वो बीजेपी के साथ थे दुष्यंत चौटाला तो उनके पास 10 विधायक थे, और जैसे ही उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया तो उनके 7 विधायक पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व के लिए भी सही रहेगा आने वाले समय में। अगर वो परिवार के साथ मिलते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी बचती हुई नजर आएगी, उनका खुद अस्तित्व बचता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए उचाना कला से वो पहले दूसरे नंबर पर नहीं रहे थे, हार तो मिली है लेकिन करारी हार मिली, वो 6ठे नंबर पर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। आप छोटे मार्जिन
ढंग से नहीं आ रहे हैं। आप देखिए छठे नंबर पर रहना, ये एक निर्दलीय विधायक जैसा कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ी बात है कि उचाना कला से दुष्यंत चौटाला दूसरे या तीसरे नंबर पर नहीं बल्कि आखिरी पायदान पर नजर आते हैं, जो 2019 में विधानसभा सीट ये उचाना कला उनके हाथों में आई थी। तो बसपा द्वारा वोट बैंक काटे गए, भाजपा की जीत होती हुई इन सीटों पर नजर आई और सबसे बड़ा षड्यंत्र मायावती के जरिए देखा गया और ये कहा गया कि बी टीम होने के नाते मायावती इसी आधार के अनुसार हरियाणा में आई थी और इनेलों के साथ गठबंधन किया था। अगर देखा जाए तो हरियाणा में मायावती की पार्टी की भी हार हुई है, लेकिन मायावती से गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल नहीं तोड़ते, जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी के अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियां खाता तक नहीं खोल पाती, लेकिन अभी भी उनका गठबंधन बरकरार है। ये दर्शाता है कि सिर्फ मायावती अपना फायदा नहीं बल्कि अपने साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी कहीं ना कहीं फायदा देख रही है। जो आरोप मायावती पर लगाए जा रहे हैं ये हरियाणा चुनाव परिणाम के आधार पर सिद्ध भी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी रानिया विधानसभा सीट पर, वो विधानसभा सीट जिस पर कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे, कई पार्टियों के बीच में घमासान होता हुआ नजर आया, चाहे आप हालोपा का जिक्र कर लें, वो अपने भाई के लिए सीट मांगते हुए नजर आ रहे थे, रणजीत सिंह चौटाला का जिक्र कर लें, भारतीय जनता पार्टी से अलग हट जाते हैं, रणजीत सिंह चौटाला के लिए जजपा वहां से उम्मीदवार ही नहीं उतारते हैं, और हम इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जो अभय चौटाला है उनके बेटे यहाँ पर अर्जुन चौटाला चुनावी मैदान में उतरते हैं, मुकाबला कड़ा होता है लेकिन ये सीट इनेलो के खाते में आ जाती है। रणजीत सिंह चौटाला का निर्दलीय उतरना क्या इस बार इंडियन नेशनल लोकदल के लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि अगर वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ते तो कहीं ना कहीं वोट काटा जा सकता है, इन निर्दलीय उतरे तो वो वोट बैंक इनेलो के खाते में भी गया, क्या लगता है रणजीत सिंह चौटाला के जरिए अर्जुन चौटाला की जीत हुई है? लेकिन आदमी बिल्कुल रणजीत सिंह चौटाला का बीजेपी से अलग हटकर निर्दलीय चुनाव लड़ना मुझे लगता है इनेलो के लिए फायदेमंद रहा है, क्योंकि इसी वजह से कहीं ना कहीं जो इनेलो है वो इस सीट को जीतने में कामयाब रही है। जाहिर सी बात है कि इनेलो ने तमाम तरह के जो दावपेच है वो आजमाए इस सीट को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो इनका जनाधार भी लगातार घट रहा है और बीएसपी के साथ आने से जिस फायदे की इन्हें उम्मीद थी वो भी नहीं मिलती हुई नजर आई। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से रणजीत सिंह चौटाला ने अलग हटकर चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, मुझे लगता है कि इनेलो को फायदा हुआ। देखिए बिल्कुल अब यही देखना होगा कि हार तो मिली है लेकिन हार के बाद एक उम्मीद फिर से जगती हुई नजर आ रही है कि अगर आने वाले समय में या अन्य राज्यों में मुकाबला देना है तो जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि बसपा द्वारा हाथ मिलाए जाने के बावजूद भी इंडियन नेशनल लोकदल को फायदा नहीं हुआ बल्कि बसपा धोखा देकर गठबंधन तोड़ते हुए नजर आई। आपको भी क्या लगता है कि जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को अब हाथ मिला लेना चाहिए, परिवार को एक हो जाना चाहिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।